हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा में चुनाव के नतीजों पर आपत्ति जाहिर की। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा और अजय माकन जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा के कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना की प्रक्रिया पर संदेह जाहिर किया। चुनाव आयोग से मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग से उन वोटिंग ईवीएम मशीनों को सील करने की मांग की है जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ जगह ईवीएम मशीनों की बैटरी 90% थी, कुछ जगह 70% रही। चुनाव आयोग से कांग्रेस नेताओं ने 7 विधानसभा क्षेत्रों के दस्तावेज पेश किए। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से दावा यह किया गया कि 13 और विधानसभा क्षेत्रों की शिकायतें चुनाव आयोग को सौंपी जाएंगी। कांग्रेस ने ऐसी ईवीएम मशीनों को सील करने की मांग की है।